अगर इंटरनेट पर कुछ बातों बातों का ध्यान न रखा जाए तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है सुरक्षित वेबसाइट आपको यह समझना होगा कि जब भी किसी वेबसाइट पर जाए तो वो सुरक्षित और वेरीफाइड हो खासतौर से बैंकिंग पोर्टल या जिन पर निजी डाटा शेयर किया जाता है उनका तो आपको खास ध्यान रखना होगा इसके लिए यू चेक करे आपको एच वाली वेबसाइट पर ही जाना चाहिए क्योंकि इसे ही सबसे सेफ माना जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसी भी वेबसाइट के लिए आपको पासवर्ड स्ट्रोंग रखना होगा ऐसा पासवर्ड रखें जो कोई भी आसानी से हैक न कर पाए इनमें आपको अल्फाबेट नंबर स्पेशल कैरेक्टर को शामिल करना चाहिए पॉपअप को करें इग्नोर कई बार आपके सामने पॉपअप आया होगा जिसमें क्लिकेबल लिंक दिया गया होता है इस तरह के पॉपअप को इग्नोर करना बेहद जरूरी है कई बार यह अननोन सोर्स के जरिए आता है और इसमें विज्ञापन दिए गए होते हैं इस तरह के पॉपअप पर क्लिक न करें इनसे डिवाइस हैक होने की परेशानी खत्म हो जाती है निजी जानकारी शेयर न करें इंटरनेट पर बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी शेयर न करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जानकारी को गलत इस्तेमाल किया जा सकता है ब्राउजर को अपडेटेड रखें अगर आप इंटरनेट पर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर को हमेशा अपडेटेड रखना होगा इससे डिवाइस में वायरस आने का खतरा खत्म हो जाता है फाइल डाउनलोड करते समय रखें ध्यान आपको यह ध्यान देना होगा कि बिना किसी जांच के किसी भी फाइल को डाउनलोड न करें साथ ही किसी भी वेबसाइट की कुकीज के लिए एग्री न करें इससे आप पर नजर भी रखी जा सकी है वीपीएन और पब्लिक वाईफाई इंटरनेट पर सबसे जरूरी बात है कि आप न तो वीपीएन का इस्तेमाल करें और न ही पब्लिक वाई का इस्तेमाल करें इससे आप पर नजर रखी जा सकती है डियर व्यूअर इफ यू लाइक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग